सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण रोहतक की सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा हो गया है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का सामना कर रहे लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में ऐसी स्थिति लगातार बनी रह सकती है। अगर ऐसे हालात रहे तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। अच्छा नरेंद्र, जो बारिश हुई है इससे कितनी दिक्कतें हुई हैं और कितना पानी भरा हुआ है? इससे काफी परेशानी है, किसी की बाइक खराब हो रही है, कोई पैदल पानी में से चला भी नहीं जा रहा। अगर ये सीवर की अगर सफाई होती तो शायद इतना दल भराव नहीं होता शहर के अंदर। अच्छा, इससे पहले भी जो है बारिश से ऐसी स्थिति हुई थी, अब भी क्या प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया? कोई सबक नहीं, वो कोई कुछ नहीं कर रहा प्रशासन, कुछ भी नहीं कर रहा प्रशासन। अगर प्रशासन कुछ करता तो ये हालात नहीं होती। अभी तो और भी बारिश बताइए। हाँ बताइए, 26 तक बता रहे हैं बारिश, और भी होगी। परेशान लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मैं जगमाल। अब जगमाल जी, जो बारिश हुई है कितना पानी भरा हुआ है? पानी तो बहुत पानी है, ये भी घरों में पानी भरा, अभी तो घरों में पानी है, सगड़ी भरी है, घरों को अंदर पानी भरा हुआ, आदमी लग रहे हैं बाटी ले ले घर से निकाल दे पानी, इतना पानी भरा हुआ है। कारण क्या, क्यों मानते हैं, क्या मानते हैं कारण का पानी भरने का? प्रशासन मान रहे, प्रशासन काम नहीं कर रहा कोई, ये एक्शन ऑर्डर देते नहीं को, ये काम करते ही वर्कर कोई भी, इसी पानी भरा हुआ सारा। सीवर वगैरह की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाई? नहीं हो पा रही, सही कुछ नहीं हो रहा। ऊपर आते हैं साफ, ऊपर पकड़ देते हैं, नीचे पानी गंद रहता है, पड़ा वो निकलता ही नहीं, पानी बुजुर्ग आएगा फिर पॉलीथीन आएगी।